कभी घी गीला हो जाए तो तीन छोटा छोटा लकड़ी उसमें डुबा करके तीन मंत्रों से रखें उसमें। छोटा ये वाला रखें पतला पतला ले लीजिए, एक दो और तीन। पहला मंत्र से रखना है उत्तर दिशा में, दूसरा मंत्र से रखना दक्षिण दिशा में, और तीसरे मंत्र से रखना है बीच में। घी पिघल जाए तो उसमें डुबा दीजिएगा पूरा भीग जाए। ये घी जो जलाते हैं तो घी जलाने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वह ऑक्सीजन हम लोग सांसों से भरते हैं। अब ये वातावरण खराब हो जाए तो सांस लेते हैं तो बीमारी फैलेगी। अब हवन यज्ञ हमारे पूर्वज सारे किया करते थे बगैर हवन के, और योग पहले योग फिर हवन, सबसे पहले योग हवन उसके बाद फिर अपना दिन का काम होता था सुबह में। इसलिए पहले से लोग 4 बजे जगते थे और 5-5:30 बजे पूरा काम हो गया, फिर दिन में काम करते हैं। अब तो हवन यज्ञ के समय वाला में सो रहे हैं और उससे सीधा ऐसे बगैर नहाए धोए किचन में चले गए, खाना बना रहे भोजन बना रहे तो बीमार पड़ेगा आदमी। बगैर कपड़ा बदले भोजन बनाने का चीज है बहन जी? अब ऐसे उठ रहे ऐसे सीधे किचन में गए, दाल भात बन रहा है, वो जो खाएगा वो भी बीमार, जो बना रहा वो भी बीमार। इसलिए स्नान ध्यान करके ही रसोई पकती है। अभी रख लीजिए इधर साइड में, मजबूती दे दीजिए। जब स्वाहा बोलेंगे तो आप सभी को स्वाहा बोलना है। सुनो बच्चे, अब शुरू कर दीजिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? रुक दीजिए।